ये जो आई पॉइंट है जमीन का, सपोज कर लो ये ग्राउंड सरफेस है, हमने आई पॉइंट का लेवल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पहले पॉइंट का लेवल पता है, ए पॉइंट का लेवल पता है, हम क्या करेंगे एक जगह पे डंपी लेवल सेट कर लेंगे, पूरी उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसकी लेवलिंग कर लेंगे, उसकी फोकसिंग कर लेंगे, पूरा टेम्परेरी एडजस्ट करने के बाद पहली रीडिंग उस पॉइंट पे लेंगे जिस पॉइंट का आरएल हमें नोन है। पहली रीडिंग हम हमेशा उस पॉइंट पर लेंगे जिस पॉइंट का आरएल हमें पता है। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आई एम दी, यस सर आई एम दी। हाँ जी, तो पहली रीडिंग हमेशा हम उस पॉइंट पे लेते हैं जिस पॉइंट का आरएल हमें पता होता है। अब इस पॉइंट पे पहले रीडिंग हमने ली ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमेशा आरएल हमें पता होगा, तो वो जो पहली रीडिंग कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? बैक साइड रीडिंग। सपोज कर लो जो मर्जी आ जाए, ये बैक साइड, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने बी पॉइंट पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, सी पॉइंट पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, डी पॉइंट पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, ई पॉइंट पे। अब ई पॉइंट पे जब हमने रीडिंग पढ़ी तो हमें ई पॉइंट के बाद हमें रीडिंग क्लियर नहीं दिखती, तो हम क्या करेंगे, हम ई पॉइंट को रीडिंग पढ़ने के बाद उसको अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने डंपी लेवल को शिफ्ट कर लेंगे। तो अब ई पॉइंट पे क्योंकि हमारी पहली शिफ्ट, पहली सेटिंग, ये हमने पहली बार डंपी लेवल सेट किया था ना, तो जब हम पहली जब हम सेट कर लेते हैं एक बार डंपी लेवल, और उस सेटिंग में जो लास्ट रीडिंग पड़ी जाती है, अब इसके अंदर लास्ट रीडिंग जब डंपी लेवल यहाँ पर सेट किया, तो इस सेटिंग के दौरान लास्ट रीडिंग जो है ई पॉइंट पे पड़ी जा रही है, तो वो हमें फोर साइट कहलाती है, तो वो फोर साइट बन जाती है। फिर हमने इस ये सब रीडिंग पढ़ने के बाद पहली शिफ्ट में, पहली सेटिंग में बैक साइड पढ़ ली, इंटरमीडिएट पढ़ ली, सी पे इंटर पढ़ ली, डी पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, और ई पे हमने फोर साइड पढ़ ली। ई पे फोर साइड पढ़ ली क्यों? क्योंकि ये लास्ट है। अब हम क्या, हमने क्या किया, फैसला किया कि हम इस डंपी लेवल को शिफ्ट कर लेंगे, तो हम डंपी लेवल को उठा के नई पोजिशन पे ले आते यहाँ पे, इसके अंदर हमने शिफ्टिंग कर ली। अब जब हमने दोबारा यहाँ पर शिफ्ट करा डंपी लेवल, तो दोबारा उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करी, वही सारा कुछ, लेवलिंग करी, लेवलिंग बाय ट्राइपॉड स्टैंड, लेवलिंग बाय फुट स्क्रूज, उसके बाद हमने उसकी फोकसिंग करी, फोकसिंग उसकी आईपीस की, उसके ऑब्जेक्ट लेंस की। अब ये नई शिफ्टिंग है, नई सेटिंग है, नई पोजिशन है डंपी लेवल की। जब भी डंपी लेवल की आप नई पोजिशन सेट करते हो, चाहे वो पहली हो, चाहे उसके काम करने के दौरान दोबारा सेट की हो, जब भी आप नई पोजीशन सेट करते हो डंपी लेवल की, तो जो पहली रीडिंग पढ़ी जाती है नई सेटिंग में, वो हमेशा बैक साइड होती है। अब स्टूडेंट देखो, जो हमने पिछली सेटिंग की थी, पिछली सेटिंग में सबसे दूर वाली रीडिंग कौन सी थी? ई पॉइंट के ऊपर, जो कि ये फोर साइट है, एफ एस है 1.080। अब हम डंपी लेवल को उठा के यहाँ पे ले आए। अब जब हम डंपी लेवल को यहाँ पे उठा के ले आए, तो ये नई सेटिंग आ गई इसकी। अब नई सेटिंग में फिर हम पहली रीडिंग पढ़ेंगे, पहली रीडिंग हम उसी पॉइंट पे पढ़ेंगे जिस पॉइंट पे हमने पिछली सेटिंग पे लास्ट रीडिंग पढ़ी थी। हमने पिछली सेटिंग पे डंपी लेवल की लास्ट रीडिंग ई पॉइंट पे पढ़ी थी, तो हम नई सेटिंग में भी जो लास्ट रीडिंग है, सॉरी जो फर्स्ट रीडिंग है, वो ई पॉइंट पे पढ़ेंगे। और ये जो नई सेटिंग में फर्स्ट रीडिंग जो कि ई पॉइंट पे पढ़ी जा रही है, ये क्या कहलाएगी? ये बैक साइड कहलाएगी, क्योंकि जब भी नई सेटिंग होती है और पहली रीडिंग पढ़ी जाती है, वो बैक साइड होती है, हमेशा याद रखना ही। तो ये बैक साइड बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सेटिंग पे एफ पे हमने इंटरमीडिएट पढ़ी, और जी पे हमें, हमने इतनी पढ़ ली कि हमारा नहीं दिख रहा, हमने डिसाइड कर लिया जी के बाद हम दोबारा लेवल शिफ्ट करेंगे। तो अभी सेकंड सेटिंग में जी पे हमने लास्ट रीडिंग पढ़ी, ये फोर साइट बनेगी, फोर साइट। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट उठा के हमने इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया। जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट उठा के इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया, तो अब नई शिफ्टिंग आ गई, सारी नई सेटिंग कर ली, तो इस नई सेटिंग में पहली रीडिंग उसी पॉइंट पे होगी जो कि पिछली सेटिंग में लास्ट रीडिंग थी। अब इस सेटिंग में लास्ट रीडिंग हमने जी पॉइंट पे पढ़ी थी, फोर साइड 1.125। तो अब हमने दोबारा नया डंपी लेवल यहाँ पर सेट करा। जब हमने डंपी लेवल यहाँ पर सेट करा, तो अब इस नई सेटिंग में पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, वो उसी पॉइंट पे रहेगी जिस पॉइंट पे लास्ट सेटिंग में फोर साइड पड़ी थी, मतलब जी पॉइंट पे। तो जी पॉइंट पे ही हमने दोबारा बैक साइड पढ़नी है। उसके बाद एच पे इंटरमीडिएट, और आई लास्ट पॉइंट है, आई का हमने लेवल निकालना होता है, निकालना था, तो वो फोर साइड बन जाएगी। तो ये लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड बनेगी। अब ये तो सारा हो गया, आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, जो हमारा ये टॉपिक है परफॉर्मेंस का है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके आरएल निकालने हैं। आरएल वही दो मेथड है आपके पास, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या आपका राइज एंड फॉल मेथड, जिसके बेस पे हमने इतने न्यूमेरिकल करे। ये वाले न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं हम, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मेथड से। लास्ट में आपने चेक लगा देना है, अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का चेक लगा देना है, अगर राइज एंड फॉल से कर रहे हो तो आपने राइज एंड फॉल का चेक लगा देना है। ये होती है सारी कंपाउंड लेवलिंग। अगर थ्योरी में आ गई लिखने में, तो आपने इस तरीके से डायग्राम बना के सारा एक्सप्लेन कर देना कि कंपाउंड लेवलिंग कैसे क्या होती है। क्लियर है? कंपाउंड लेवलिंग को हम डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं, या इसी को हम कंटिन्यूअस लेवलिंग भी कहते हैं। क्लियर
क्लियर है, क्लियर है। इसके हमने बहुत न्यूमेरिकल करे हैं, न्यूमेरिकल में हम इसको बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइज एंड फॉल, हर चीज के हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तभी पहले न्यूमेरिकल कराए थे ताकि आपको समझ आए कि हम करते क्या है प्रैक्टिकली परफॉर्म। अगर पहले थ्योरी कराऊं फिर वो मुश्किल हो जाती है, अगर पहले न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी कराई जाए बाद में रिकॉल करा दें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल से आप बेहतर समझ जाते हो इन चीजों को। क्लियर है। अगली लेवलिंग कराऊं, अगली टाइप ऑफ लेवलिंग, अगली टाइप ऑफ लेवलिंग करें, नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवलिंग। यस सर। अब अगली लेवलिंग कौन सी है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लेवलिंग है, ये है रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग स्टूडेंट देखो कहां पर परफॉर्म करी जाती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग थर्ड टाइप ऑफ लेवलिंग कहां पर परफॉर्म करी जाती है, वहां पर परफॉर्म करी जाती है जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बाधा है, बाधा मतलब ऐसी बाधा जो कि बहुत वाइड है, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारी है वो डिफिकल्टी है कोई बीच में, बहुत वाइड है। जैसे सपोज कर लो अगर आप लेवलिंग कर रहे हो और लेवलिंग करते हुए बीच में कहीं रिवर आ जाए, तो रिवर के थ्रू मतलब रिवर को पार करते हुए हमने लेवलिंग कैसे करनी है, वो हम इस टाइप की लेवलिंग से करते हैं जिसे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब ये आपकी बुक का ही पेज है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश बना के खुद एक्सप्लेन करना होता है। इसके अंदर भी मैं आपको हिंदी पंजाबी में समझाता हूँ, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना होता है जैसे ये बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कर लो, अब सपोज कर लो स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो पॉइंट है, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, ये फिगर दिख रही है सबको, ये फिगर दिख रही है सबको। हाँ जी सर। अब सपोज कर लो हमारे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में कुछ मर्जी लगा लो, कोई खाई है बहुत चौड़ी है ये, और कुछ यहाँ सपोज कर लो यहाँ पे रिवर भी हो सकती है, रिवर है जो कि बहुत वाइड है बहुत चौड़ी है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमें हम बीच में कहीं लेवल नहीं सेट कर सकते, मतलब ऐसी बाधा है कि बीच में हम अब ए और बी के बीच में जमीन के ऊपर हम लेवल नहीं सेट कर सकते, ये बाधा है। सपोज कर लो कोई रिवर ही है बीच में से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास किनारे पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए दूसरा पॉइंट है बी। अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच में लेवल डिफरेंस निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्लियर है, करना क्या है, ए पॉइंट का लेवल और बी पॉइंट का लेवल, इन दोनों के लेवल के बीच में फर्क कितना है। हम लेवलिंग में क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ही निकालते हैं, तो हमने ए और बी के बीच में लेवल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के लेवल में फर्क कितना है वो चीज हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है, विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्लियर है, क्लियर है, क्या चीज क्या है ये, ठीक है, जवाब दिया करो। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? यस सर, यस आई आंदी है। हाँ जी। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने कभी कभी देखा पेपर में, दूसरे तीसरे पेपर में क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन रेसिप्रोकल लेवलिंग का आ जाता है, एक्सप्लेन चार पांच नंबर में छोटे क्वेश्चनों में एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो आप समझ लो अच्छी तरह से। अब सपोज कर लो स्टूडेंट दो पॉइंट है, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में हमने क्या करना है, लेवल डिफरेंस निकालना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक जगह पे यहाँ पे लेवल फिट कर देंगे, लेवल हमने सेट कर लिया। जब मैं कहता हूँ लेवल सेट कर लेंगे, उसका मतलब अंडरस्टूड, मतलब वो आपके अंडरस्टूड ही है कि उसकी लेवलिंग करनी है, उसकी उसकी फोकसिंग करनी है, उसकी लेवलिंग बाय टाइम वही पहले उसकी ट्राइपॉड स्टैंड से लेवलिंग करनी है, उसके बाद उसकी जो सी लेवलिंग है फुट सक्रू उससे करनी है, उसके बाद क्या करनी है उसकी फोकसिंग करनी है। फोकसिंग कैसे करते हो, उसका जो टेलीस्कोप होता है उसके आई पीस सेट करते हो, उसमें क्रॉस वायर जो होती है वो दिखना चाहिए डायफ्राम में आई पीस के, और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो भी क्लियर प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, तो उससे हमारे को रीडिंग पढ़ी जानी चाहिए, उसकी फोकसिंग कर लेनी है, उसकी लेवलिंग कर देनी। अब ये इतना काम करने के बाद अब क्या करना है, अब देखो हमने इस एक जगह पे एक किनारे पे हमने क्या किया, जो लेवल है सेट कर लिया ए के पीछे, ए पॉइंट का के पीछे हमने लेवल सेट कर लिया। अब जब स्टूडेंट्स हम ए से, हमने करना क्या है, हमने ए पे स्टाफ रख देना, जब हमने ए पे स्टाफ रख देना हमने लेवल से रीडिंग पढ़ लेनी है। सपोज कर लो रीडिंग कितनी आई, ए वन, जब हमने पहली फिगर में जब हमने ए के ऊपर स्टाफ रखा, सपोज कर लो रीडिंग कितनी आई, ए वन। क्लियर है। अब लेवल यहीं पर है, लेवल को कोई शिफ्ट नहीं करा,
हमने बी पॉइंट के ऊपर स्टाफ रख दिया और उस पे इसी सेटिंग पे कोई लेवल शिफ्ट कोई नहीं छेड़ा लेवल को, लेवल वहीं का वहीं है, और उसी वक्त हमने बी बी पॉइंट के ऊपर जमीन के स्टाफ रख के इस स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ ली। सपोज कर लो वो रीडिंग कितनी आई B1, समझ गए समझ गए समझ गए, क्लियर है? इतना काम क्लियर है, पहली फिगर में हमने इतना ही करा, ठीक है? ए पे स्टाफ रख के A1 रीडिंग पढ़ ली, बी पे स्टाफ रख के B1 रीडिंग पढ़ ली, इतना काम किया अभी हमने, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर, यस। अब देखो क्योंकि ए पॉइंट डंपी लेवल के पास ही है, मतलब ए पॉइंट डंपी लेवल के पास है, तो ए पॉइंट पे जो रीडिंग पढ़ी जाएगी वो करेक्ट रहेगी, उसमें कोई एरर नहीं रहेगा। पर जो बी पॉइंट है वो बहुत दूर है, क्योंकि बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत चौड़ी है, चाहे वो रिवर हो चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि बी पॉइंट बहुत दूर है, तो बी पॉइंट पे जब हमने फोर्थ ये रीडिंग पढ़ी स्टाफ रख के, तो बी पॉइंट के ऊपर कर्वेचर या रिफ्रैक्शन का एरर आ सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हो बात को? यस सर, यस। तो अब जो ए पॉइंट पे रीडिंग पढ़ी, अगला पेज देखो, ये देखो ए पॉइंट पे जो रीडिंग पढ़ी, इन द फर्स्ट केस एज द ए